brought to you by Infinix. Infinix पर very good offer मिला है. You can't bear to miss it. एक मशहूर फ्रेज है, the American Dream. इसको मशहूर बनाने वाले लेखक जेम्स एडम्स ने अपनी किताब एपिक ऑफ अमेरिका में लिखा था. अमेरिकन ड्रीम सपनों से भरी उस दुनिया की बात करता है जहां हर इंसान की ज़िंदगी बेहतर और संसाधनों से परिपूर्ण होगी और जहां सबके पास सफल होने के समान अवसर होंगे. इसी चाह में अमेरिका गए एक भारतीय परिवार का सपना त्रासदी में बदल गया है. 3 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने परिवार के 4 सदस्यों को किडनैप किया था. इसमें 8 महीने की एक बच्ची, उसके माता पिता और बच्ची के चाचा थे. 2 दिनों के बाद एक सुनसान इलाके में चारों की लाश मिली. इस घटना ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच सनसनी फैला दी है. इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है, हालांकि अभी तक हत्या का मकसद साफ नहीं हो सका है. तो आज हम जानेंगे भारतीय परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था, इस मामले में लोकल पुलिस का क्या कहना है और इस घटना के संदिग्ध के बारे में क्या कुछ पता चला है. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी. आज हम अमेरिका में एक भारतीय परिवार की हत्या की कहानी आपको बताने वाले हैं. सबसे पहले घटना की टाइमलाइन को जान लेते हैं. ये पूरा मामला 3 अक्टूबर 2022 की सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ. कैलिफोर्निया के मसेड कस्बे में एक हाईवे के पास जसदीप सिंह का ट्रकिंग का बिजनेस था. उस सुबह वो अपनी मिनी वैन में दफ्तर पहुंचे. उनके पीछे उनके एक रिश्तेदार अमनदीप सिंह अपना पिकअप ट्रक लेकर आए. 9 बजे के आसपास एक तीसरा व्यक्ति टहलता हुआ वहां आया. उसके हाथ में कचरे का थैला था. उसने दफ्तर के बाहर अमनदीप से बात की. जब अमनदीप दफ्तर के अंदर चले गए तब मास्क पहने उस व्यक्ति ने जेब से पिस्तौल निकाली, फिर वो भी दफ्तर के अंदर घुस गया. जब वो बाहर निकला तो पूरा सीन बदला हुआ था. जसदीप और अमनदीप के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे. मास्कधारी उनके पीछे चल रहा था. उसने दोनों को अमनदीप की गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें लेकर निकल गया. इसके 8 मिनट बाद वो उसी पिकअप ट्रक में वापस लौटा. इस बार उसने दफ्तर के अंदर जसदीप की पत्नी जसलीन कौर और उनकी बेटी को किडनैप किया, फिर उन्हें लेकर चुपचाप उसी रास्ते बाहर निकल गया. ये पूरी घटना दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन इसके बारे में घंटों तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी. फिर दिन के 11:30 बजे एक फायर स्टेशन पर फोन की घंटी बजी. उन्हें खबर मिली कि विंटन के पास आगजनी की घटना दर्ज हुई है. फायर फाइटर्स को फौरन रवाना किया गया. हाईवे पेट्रोल के लिए निकले पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मसेड पुलिस डिपार्टमेंट से मदद मांगी. जब ये लोग घटना स्थल पर गए तब उन्होंने देखा कि काले रंग की गाड़ी धू धू कर जल रही है. किसी तरह आग बुझाई गई. पुलिस ने नंबर प्लेट को जांचा तो ये पता चला कि गाड़ी किसी अमनदीप सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस डिटेल के जरिए उन्होंने अमनदीप का पता निकाला. जब पुलिस वाले पते पर पहुंचे वहां पर सामान बिखरा पड़ा था. उन्हें शक हुआ. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की. सीसीटीवी फुटेज ने पूरा मामला साफ कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच करनी शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदिग्ध की तस्वीर रिलीज कर दी थी. उन्होंने किडनैप लोगों के पेमेंट कार्ड्स की भी निगरानी की. 4 अक्टूबर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए हैं. फिर एटीएम की फुटेज निकाली गई. इसमें वही मास्कधारी व्यक्ति पैसे निकालता हुआ दिखाई दे रहा था जिसने भारतीय परिवार को उनके दफ्तर से किडनैप किया था. पुलिस ने इसके आधार पर संदिग्ध की लोकेशन निकाली. जल्द ही वो पकड़ में भी आ गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसने अपनी जान लेने की कोशिश की. उसे पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने संदिग्ध को तो पकड़ लिया था, लेकिन अगवा लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा था. 5 अक्टूबर को मसेड के पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने स्थानीय लोगों से मदद की अपील की. उधर पुलिस संदिग्ध के होश में आने का इंतजार करने लगी. जब तक वो होश में आता उससे पहले उनके पास एक फ़ोन आ गया. एक मजदूर शाम को अपना काम खत्म कर वापस घर लौट रहा था. उसी समय उसे बगीचे के बीचों बीच 4 लाशें दिखाई दीं. उसने बदहवास लहजे में पुलिस को फ़ोन किया. पुलिस पहुंची तो उनकी आशंका सच साबित हो गई. ये लाशें उन्हीं लोगों की थी जिन्हें पूरे मसेद में बेसब्री से ढूंढा जा रहा था. तीनों वयस्कों के शरीर पर मारपीट और जख्म के गहरे निशान थे. हालांकि बच्ची के शरीर पर किसी तरह का निशान नहीं मिला. पुलिस ने कहा कि पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. उसी रात पुलिस ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. इसमें उन्होंने भारतीय परिवार की हत्या की पुष्टि कर दी. मसेड काउंटी के शेरिफ ने कहा, एक पूरे परिवार का नामोनिशान मिटा दिया गया है और हमें अभी तक वजह पता नहीं चली है.
इस समय तक किडनैपिंग का मामला मास मर्डर में तब्दील हो चुका था। रहस्य का पूरा भार संदिग्ध पर टिक गया था। पुलिस ने उसी को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाई। अब संदिग्ध के बारे में भी आपको बताते हैं। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम हेसुस मैनुएल सेल्गाडो है। उसकी उम्र 48 बरस है। सेल्गाडो का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 2001 में उसे मेथ नामक ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये उसका पहला क्राइम था। फिर आया 2005 का साल। 19 दिसंबर की बात है। सेल्गाडो ने मसेद में ही एक घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की थी। उसने घर के मालिक से क्रेडिट कार्ड और नकदी पैसे लूटे थे। सेल्गाडो ने धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो उन्हें जान से मार देगा। जब सेल्गाडो चला गया तब घर के मालिक ने पुलिस को फोन किया। एक दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो वो झूठे बयान देकर भरमाता रहा, फिर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। नवंबर 2006 में उसे सजा हुई। इस मामले में वो 2015 तक जेल में रहा। फिर कोर्ट ने उसे पैरोल पर छोड़ दिया। पुलिस के पास उसके बाद की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेल्गाडो के बारे में और क्या क्या पता चला है? ये सामने आया है कि वो एक समय जसदीप और अमनदीप की ट्रकिंग कंपनी में काम करता था। उसकी दोनों से पैसे के लेन देन को लेकर अनबन हुई थी। एक साल पहले उसने सिंह फैमिली को धमकी भरे मैसेज और कॉल भी किए थे। अभी तक हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया है, ना ही ये स्पष्ट हुआ है कि हत्या के पीछे सेल्गाडो ही था। किडनैपिंग के बाद और लाशें मिलने के बीच क्या हुआ, ये भी अभी अबूझ पहेली बना हुआ है। पुलिस ने कहा कि हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि असल में क्या हुआ था। ये तभी पता चल सकेगा जब संदिग्ध खुद अपने मुंह से पूरी बात बता दे। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है हमने सही व्यक्ति को पकड़ा है, लेकिन हम घटना का पूरा ब्यौरा नहीं जानते। इस मामले में और क्या क्या अपडेट्स हैं? मसेद के स्थानीय लोगों ने पीड़ितों की याद में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। ये मार्च 9 अक्टूबर की शाम तक रोजाना चलेगा। मसेद में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनमें से कई लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। उनके भीतर खौफ पैदा हुआ है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। जसदीप का परिवार पंजाब के होशियारपुर के हरसीपिंड गांव का रहने वाला था। जसदीप और अमनदीप के माता पिता किडनैपिंग की खबर मिलने के बाद ही अमेरिका रवाना हो चुके थे। उनके गाँव में मातम का माहौल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। भगवंत मान ने लिखा, कैलिफोर्निया में 4 भारतीयों के अपहरण और हत्या की खबर सामने आई, जिसमें 8 महीने की बच्ची का भी कत्ल हुआ है। यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पीड़ितों के परिवार के साथ दुख साझा करता हूँ। साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की अपील करता हूँ। संदिग्ध हत्यारा सेल्गाडो अभी भी अस्पताल में है। उसके ऊपर अभी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया गया है। कहा जा रहा है कि शुरुआती जांच पूरी होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। स्थानीय जांच अधिकारियों ने कहा कि वे संदिग्ध के लिए मौत की सजा की मांग करेंगे। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर हम देते रहेंगे। अब बारी है वीकली राउंडअप की। इस सेगमेंट में हम हफ्ते भर की उन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जिन्हें हम दुनियादारी में नहीं ले पाए, लेकिन इनका जानना भी आपके लिए जरूरी था, इसलिए सारांश बता देते हैं। पाकिस्तान में ऑडियो लीक ने बहती नदी का रूप धारण कर लिया है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मामला थमता है तब तक कोई दूसरा ऑडियो सामने आ जाता है। पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट की बैठकों की ऑडियो लीक के बारे में आपको बताया था। धीरे धीरे पैटर्न बदलने लगा है। इस हफ्ते की किस्त में पूर्व पीएम इमरान खान पर फटका पड़ा है। हालांकि एक लीक में इमरान को सांसदों की खरीद फरोख्त करते सुना जा सकता है। वो कहते हैं, आपको गलतफहमी है कि अब नंबर गेम पूरा हो गया है, मत सोचो कि ये खत्म हो गया है। देखिए, 48 घंटे बहुत लंबा समय है, बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी चाल चल रहा हूँ जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं 5 खरीद रहा हूँ। मैंने संदेश दिया है कि वे 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें बताएं कि अगर वे इन 5 को सुरक्षित करते हैं और अगर वो 10 हासिल करते हैं तो खेल हमारे हाथ में होगा। अभी तक किसी भी ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही किसी से पूरी तरह इनकार ही हुआ है। यानी मामला अधर में लटका हुआ है। रिपोर्ट्स हैं कि हैकर्स के पास सैकड़ों घंटे का कंटेंट अभी रखा है। बहुत संभावना है कि अगले हफ्ते पलड़े का भार बदल सकता है। इस हफ्ते UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग के मसले ने भी सुर्खियां बटोरी। काउंसिल में 6 अक्टूबर को एक प्रस्ताव लाया गया था। अमेरिका के साथ कई दूसरे पश्चिमी देश ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि चीन में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग के बाद ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 19 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग कर दी। 17 ने चर्चा के पक्ष में वोट डाला था।
प्रस्ताव 2 वोट से गिर गया। यूएनएचआरसी में 47 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव यूएन जनरल असेंबली के सदस्य सीक्रेट बैलेट के जरिए करते हैं। उइगर वाली चर्चा के प्रस्ताव पर 11 देशों ने वोटिंग नहीं की, इनमें से एक भारत भी था। हालांकि भारत ने अपने फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई। भारत के फैसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि भारत ने निजी फायदे के लिए मानवाधिकार जैसे जरूरी विषय को दरकिनार कर दिया। इस बार थाईलैंड में मास शूटिंग की दिल दहलाने वाली घटना भी चर्चा में रही। 6 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने प्री स्कूल चाइल्ड डे केयर सेंटर में गोलीबारी कर 34 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में 22 बच्चे थे। हमलावर एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। मास शूटिंग के बाद उसने घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे की भी हत्या कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। इस हमले में जिंदा बचे एक टीचर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हमलावर अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल आता था और उसका व्यवहार आमतौर पर विनम्र रहा करता था। स्थानीय पुलिस ने बताया कि बंदूकधारी का नाम पान्या कामराब है। उसे पिछले साल ड्रग्स की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। उसकी उम्र 34 साल थी। थाईलैंड में गोलीबारी से हत्या की खबरें आम हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या थाईलैंड में बंदूकों को रखने के लिए कोई नियम कानून नहीं है? कानून है और सख्त भी है, लेकिन उनका पालन ठीक से नहीं होता। अगर आपके पास से अवैध बंदूक पकड़ी जाती है तो 10 साल तक की जेल और 44,000 रुपयों तक का जुर्माना है। आमतौर पर अवैध बंदूक आस पड़ोस के देश जहां किसी तरह का संघर्ष चल रहा हो वहां से मंगवाई जाती हैं। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक थाईलैंड के लोगों के पास 1 करोड़ से भी ज्यादा बंदूकें थीं, जिनमें 40 लाख से ज्यादा अवैध थीं। थाईलैंड में अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी एक कड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी लाजमी है। आपको बंदूक रखने का सही कारण बताना होगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, जहां आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह चेक की जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। 6 अक्टूबर को हुई घटना थाईलैंड के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्याओं में से एक है। थाईलैंड के बाद बात करते हैं बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका में बसा एक छोटा सा देश है, जहां 8 महीने में दूसरा तख्ता पलट देखने को मिला। राष्ट्रपति का पद संभाल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंडियागो दमीबा को उनके पद से हटा दिया गया। वो भी कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। दिलचस्प ये कि दमीबा खुद तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। अब उनके माथत काम कर रहे कैप्टन इब्राहिम ने कुर्सी कब्जा ली है। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव कराए जाएंगे। बुर्किना फासो 1960 के साल में आज़ाद हुआ था। तब से अब तक 8 बार तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है। अकेले 2022 में 2 बार तख्ता पलट सफल हो चुके हैं। जैसा कि चलन रहा है, वैसे में अगले तख्ता पलट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभरात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।